हेलो एंड वेलकम बैक टू मी माय सुरियन व्लॉग्स। एंड आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे नेशनल मॉस्क और मस्जिद ऑफ अबूजा। इसको बनाने में ना बल्कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, बट ऑल्सो सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया बाय गिविंग 100 मिलियन रियाल्स जब इसको बनाया गया था। जब मैं यहाँ पे विजिट की, मुझे इतना सुकून महसूस हुआ और ये काफ़ी खूबसूरत था सामने से देखने में। चलिए विस्तार से जानते हैं। नेशनल मॉस्क की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका निर्माण नाइजीरिया की विविधता को दर्शाता है। ये मॉस्क इस्लामिक संस्कृति का प्रतीक है और इसे सऊदी अरब के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। ये मॉस्क न सिर्फ नाइजीरिया की एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि इसकी खूबसूरती भी अद्भुत है। इसकी वास्तुकला एकदम आधुनिक है। मस्जिद की ऊंचाई लगभग 120 मीटर है और इसकी गोल्डन डोम इसके एक विशेष रूप से पहचान देती है। यहाँ की भव्यता और विस्तारित प्रांगण हर आंगन तक को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ ना सिर्फ रोजाना की नमाज अदा की जाती है, बल्कि विशेष समारोह भी मनाए जाते हैं। ईद जैसे त्योहारों पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जो सामुदायिक एकता का प्रतीक है। ये मस्जिद लगभग 10,000 लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर सकता है। जो भी नाइजीरिया विजिट करे, मेरा ये सजेशन है कि वो ज़रूर से इस मस्जिद को विजिट करें, क्योंकि यहाँ का शांत वातावरण आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेगा जैसे मुझे किया था। और यहाँ पे सम्मान के साथ आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बोला बालों को ढक के आना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे विजिट करने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। साथ ही साथ मुझे ये अनुभव हुआ कि पहली बार मैंने इतनी बड़ी मस्जिद इतने सामने से देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर।